60 सेकेंड टू रेस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज है 13th February और सामने गेट बंद है, दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। और आज मैं जा रहा हूँ, हीरो का एक इवेंट है, कल अपनी बाइक की सर्विस करा के आया था। सर्विस वाला वीडियो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम थी वो सब उन्होंने सही करी। एक प्रॉब्लम अभी बची हुई है, वो उसका स्पेयर पार्ट नहीं था, इसके चैन पॉकेट से रिलेटेड था वो, तो वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं इवेंट के लिए, इसमें मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, काफी राइडर मिलेंगे। ओ शिट, ग्लव्स पहनना भूल गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, यहाँ से मुझे जो गूगल मैप दिखा रहा है वो 5 मिनट की डिस्टेंस पे दिखा रहा है। यू टर्न लेना है यहाँ से अपने को, और कल सर्विस कराने के बाद बाइक बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। इस तरह के इवेंट में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, यूट्यूब पे देखा पहले है बट अटेंड नहीं किया है, तो आज अटेंड करते हैं। शायद वहाँ पे उनकी कोई बाइक है, वो रीलॉन्च हो रही है, पहले आई थी मे भी ज़्यादा चली नहीं इसलिए दोबारा लॉन्च हो रही है, या कुछ और है वो एक बार डिटेल देखते हैं, वहाँ जाके पता करेंगे। सो फाइनली ये अपना मीटिंग पॉइंट, ये दो भाई लोग मिले, अब आगे चलते हैं। मुझे आने में लेट हो गया, थर्ड नंबर पे मैं ही था। और सामने सूरज का रिफ्लेक्शन जब इस बिल्डिंग पे पड़ रहा है, मैं भी आपको क्लियर नहीं होगा बट बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मेरे राइट साइड में है अमिटी यूनिवर्सिटी, और जो इवेंट होने वाला है वो जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो होता है वहीं पे है। फाइनली हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर होता है ऑटो एक्सपो, और ये ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ पे अंदर इन्होंने। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट यहाँ पे बहुत राइडर आते हैं। हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पे, अब मिलवाता हूँ आपको भाई लोगों से। ये अपना भाई है कृष्णा, एंड सेजल भाई, सतवीर भाई है। हेलो, ये है इवेंट की लोकेशन, 160cc की है। लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, सतवीर भाई को मिला है 01 और मुझे मिला है 02। सही माहौल बना रखा है, एक्सट्रीम 160 यार, ये इनकी पहले आई थी ना, एक्सट्रीम आई थी बट शायद उस समय उतना नहीं चली थी। लेकिन ये जो है ये हमने प्रॉपर एकदम ट्रैक का प्लेटफॉर्म बनाया है। ड्रैग रेस स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एक तरफ है कृष्णा भाई और दूसरी तरफ है सेजल भाई। इसमें क्या है, रेस होगी, यहाँ सामने 3 लाइट लगी हुई है, तो जब ग्रीन लाइट जलेगी उसके बाद यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, और वो जो आगे रेड कलर का फ्लैग है वहाँ तक जाना है। एक राइडर को 3 चांस मिलेंगे, देखते हैं इन दोनों में कौन जीतता है। सतवीर भाई क्या लगता है दोनों में कौन जीतेगा? ट्रैक इतना छोटा है ना कि इसमें मतलब डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इससे क्या हो रहा है, धूप कौन सी लग रही है? 1 and 2 कैसा रहा? 1 और 2 ग्रीन लाइट पे आपको गाड़ी भगानी है। तो फर्स्ट राउंड में मेरी टाइमिंग अब कम रही होगी क्योंकि मैं इनसे आगे था। सेकेंड राउंड का देखते हैं हिसाब, बट यार बाइक तो बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिटी के हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है। लॉन्ग राइड तो नहीं, और इस बार फिर से अपन जीत चुके हैं, देखते हैं थर्ड में क्या होता है। बाइक बहुत ही सही लग रही है मुझे तो। कैसा रहा बाइक, कैसी लगी? बाइक तो सही है यार, बहुत हल्की है। डोमिनार का जो वेट है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं लग रही, एकदम हल्की फुल्की स्मूथ बाइक है। ओके थैंक यू। हाँ जी सर, ये आपका टाइम कार्ड, राइडर नंबर 1, ये अभी जस्ट लाइव आ रहा है लास्ट आपका। अब जो दो आएंगे राइडर्स उनका पूरे दिन में जो बेस्ट टाइम आएगा उनका यहाँ पे लाइव। अब जा रहे हैं हम दूसरे वाले ट्रैक पे, रेसिंग सिनेरियो में यहाँ पे हम लोग रेसिंग नहीं कर रहे हैं अभी।
तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड इवेंट के लिए, और यहाँ से एंट्री करने के बाद पांच लोग जा रहे हैं, हम चार तो कॉमन ही है। तो फाइनली रेस स्टार्ट होने जा रही है, और सबसे आगे होता है लीड राइडर, उसके बाद चार पांच लोग पीछे चलते हैं, और टोटल तीन लेन यहाँ पे कवर करने आगे जाके। अभी जब मैं राइड करूंगा तब आपको दिखाऊंगा पूरा का पूरा। और रेस स्टार्ट होने वाली है, 1 2 3 स्टार्ट। अपना वार्म अप लैप स्टार्ट हो चुका है, ये बनाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने ट्रैक, और इस ट्रैक पे चलानी है। सही है यार, ठीक ठाक कर्म है। और ये अब हटा दिया है, अब यहाँ पे जलेगी लाइट। लाइट जलने के बाद फिर हम लोग को यहाँ पे रेस करनी है। ये है लीड राइडर, इनको कोई क्रॉस नहीं करेगा। मज़ेदार है यार, कर्व बहुत सही है। और इस बाइक की अगर मैं पावर की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं लगी, क्योंकि पिकअप बहुत कम है। ब्रेकिंग ठीक है, न्यू बाइक है तो फिर तो ठीक ही होगी, वो तो चलने के बाद पता चलता है, बट इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। बहुत हल्की बाइक है, क्योंकि हम लोग का हाथ डोमिनार पे सेट है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हल्की बाइक है। यहाँ पे ओवरटेक का ऑप्शन ही नहीं है, अगर सही देखें तो आप ओवरटेक कर ही नहीं सकते हैं। एक अच्छा खासा इवेंट है, ठीक है बाइक के जज के लिए, बट मुझे ये लगता है इनको इस बाइक को ना मोर पावरफुल बनाना चाहिए था, या एटलीस्ट पिकअप वगैरह तो देना ही चाहिए था। 160 की बाइक, जैसे मेरे पास 150 पल्सर थी, तो उसका पिकअप इवन मोर बेटर था। सिटी के हिसाब से ये बाइक ठीक है, इसमें ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। और ये है अब हमारा थर्ड एंड लास्ट लैप। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का कोई इवेंट किया है, लेकिन इसमें बहुत मजा आ रही है। लेकिन रेसिंग ट्रैक थोड़ा सा ना स्ट्रेट टाइप का देना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या ओवरटेक आप कर ही नहीं सकते हो, तो क्या ही करोगे। खत्म हो गई रेस, राइड अच्छी रही। इस तरह का इवेंट मैंने फर्स्ट टाइम ही किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पिक्चर्स हैं, आप उन्हें अगर लेना चाहें हमारे फेसबुक पे पेज, आप उसे लाइक कर सकते हैं। मैं बाइक राइडर हूं एक्चुअली, ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हूं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो राउंड ऑफ टर्न ऑफ होते हैं उसके कोई शार्प टर्न थे, एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मैं ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हूं प्रोफेशन, और ये पैशन है बाइक राइडिंग एंड ऑल। भावना चौधरी, ओके थैंक यू। रेस हो गई, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप चलते हैं, सामने खड़े हैं कृष्णा और सतवीर भाई। जो ये स्टेट वाला था ना, इस स्टेट के बाद जैसे ही आप मुड़ोगे फिर कहीं चांस ही नहीं बनेगा कि जरा सा भी आपको ओवरटेक नहीं कर सकते। और कर्व भी इतने सही से बनाए थे ना इन्होंने कि चांस ही नहीं था। बाइक सही है, बट हल्की सी पिकअप कम है। बाकी बाइक सिटी राइड के हिसाब से अगर कोई लेना चाहे तो बहुत अच्छी बाइक है, और लुक वाइज भी ठीक ही है। वेट हल्का, लेकिन वेट बहुत हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का है, लेकिन फन इवेंट है। मतलब अगर आप वहाँ पे पूरा जाओगे ना तो मजा आएगी। नहीं हो कहा था ना उसके 10 या 20 मतलब किलोमीटर स्पीड कम ही रखो। एक सेकंड यू हैंडल लेता हूं। जय माता दी। सजल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। सजल भाई इस समय पूरे इवेंट में नंबर 1 पे आ चुके हैं, और अक्षय जो हमारे साथ थे वो 5th पे है इस समय। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इवेंट हमारा हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई विशाल भाई, ये है परी चौक, और यहाँ पे कुछ परियां बनी हुई हैं, इसलिए इसको परी चौक कहते हैं। राक्षस बनाते तो राक्षस चौक हो जाता। और गर्म है लेकिन अच्छा खासा।
यहाँ पर चल रही है हमारी कॉफी बन रही है ऑन रोड कॉफी। सो अभी हम लोग कॉफी पी रहे तभी ये भाई आए, इनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, सेजल भाई ने अभी दिया है क्योंकि पेट्रोल पंप थोड़ा सा उधर है, अगर ये घूम के जाएंगे तो शायद उतना नहीं पहुंच पाएंगे, तो थोड़ा सा दे दिया, अभी इसी रूट पे आगे इनको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, दे दे दे, नहीं होगा। तो आपका क्या बिल्कुल खत्म हो गया था? बिल्कुल ही खत्म। अच्छा, हल्की सी चोक दे दो फिर हो जाएगी। ये आपके साथ जाएंगे, मैं 18 से निकल जाऊंगा, डीएनडी तक हम साथ में हैं। ठीक है, डन डन। अच्छा हुआ यार सर्विस करने के बाद ये इवेंट अटेंड कर लिया, इससे क्या है कि बाइक भी मतलब थोड़ा ठीक ठाक चल गई है तो सही हो गया, काफी दिनों से खड़ी थी लद्दाख के बाद, तो एक अच्छा इवेंट भी हो गया। और ये देखो भाई का अभी भी एक नंबर वाला स्टिकर लगा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर 18 और ये GIP मॉल, तो यहाँ पर कुछ तो रिफर्बिशमेंट का काम चल रहा है। टाइम हो रहा है 12:25, काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली इवेंट से तो हम लोग बहुत जल्दी निकल चुके थे, लेकिन इवेंट से निकलने के बाद हम लोग जो आपने देखा होगा पहले कि जो कॉफ़ी पी रहे थे वो सब टाइम जो है वहाँ पे बैठ के नेक्स्ट राइड का प्लान कर रहे थे, तो कंक्लूजन नहीं निकला। एक्चुअली रीज़न क्या है कि इस मार्च में उज्जैन की राइड प्लान हो रही है, मेरा मन स्पीति का है और केदारनाथ का भी है, तो इसलिए अभी चल रहा है कि क्या डिसाइड करना है, बाकी जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा। यूट्यूब पे अगर वीडियो आने में टाइम लगेगा तो इंस्टाग्राम पे तो ये अपडेट मिल ही जाएगा। आ गए अपन अपनी डेस्टिनेशन पे, ये खड़े मेरे दो अनमोल रतन, अंदर खड़ी करते हैं फटाफट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इवेंट का, और अपनी बाइक काफी सही लुक दे रही है। हीरो ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, काफी मजा आई, दोनों तरह की रेस करके काफी अच्छा लगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।